I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. सुजाता, मेरे श्रृंगार में कोई कमी तो नहीं रह गई? आपने जब से नारी का रूप धारण कर लिया है, आपकी सुंदरता निखरती जा रही है। सच पूछे तो आपको श्रृंगार की कोई आवश्यकता ही नहीं है। श्रृंगार आपके रूप की शोभा को नहीं बढ़ाता राजकुमारी, आपका रूप श्रृंगार की शोभा बढ़ाता है। सच कहो कि हमारे नैन कैसे लग रहे हैं? काजल से कजरा रही ये नैन ऐसी प्रलय मचा रहे हैं राजकुमारी, कि इन्हें देखकर विद्वान के हाथों से ग्रंथ, मतवाले के हाथों से मदिरा का प्याला और सैनिक के हाथों से शस्त्र छूट कर गिर जाए। और मेरे केश मुख पर बिखर जाएं तो घटा बनकर चंद्रमा को अपने आंचल में छुपा लें, कमर पर लौट जाए तो कोश की रक्षा करने वाले नागों की भांति बल खाते रहे, और ये रसीले लाल लाल होंठ जैसे सूर्य ने डूबते डूबते उषा की सारी लाली आपके होठों पे बिखरा दी हो। आप सर से पांव तक लहराते हुए फूलों की डाली लग रही हैं। ऐसा लगता है जैसे कि प्रकृति ने संगीतकार का संगीत, कवि की कविता और कलाकार की कला को एक नारी के रूप में ढाल दिया हो। इसका अर्थ है कि अब मेरा रूप अपनी ओर किसी को भी आकर्षित कर सकता है? मुझे खेद है राजकुमारी, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकती। क्यों? राजकुमारी, यदि मैं एक स्त्री या दासी ना होकर कोई पुरुष या राजकुमार होती तो आपको बिना पूछे इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाता। इसका उत्तर शब्दों में नहीं, आपके चरणों में अपना हृदय देकर ही दिया जा सकता है। सुजाता, मुझे तुम्हारा उत्तर मिल गया है। राजकुमारी जी, महाराज ने आज्ञा दी है कि मणिपुर के अतिथि के सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अतिथि? हमारे राज में कोई अतिथि आया है? हाँ राजकुमारी जी, इंद्रप्रस्थ से पांडु पुत्र अर्जुन आए हैं। अर्जुन? अरे इन्हें क्या हो गया?
लगता है आपका मुखड़ा कुछ जाना पहचाना सा है। न जाने क्यों ऐसा लगता है कि पहले भी मैं आपसे मिल चुका हूं। कहां? कहां? कुछ याद नहीं आ रहा है। याद करने की चेष्टा कीजिए। कुछ याद नहीं आ रहा है। कामाख्या देवी के मंदिर वाली घटना याद कीजिए। तो वो आप हैं। मैं तो ये भूल ही गया था कि मंदिर में जिसने मुझे ललकारा था वो एक बालक नहीं एक कन्या थी। परंतु तुम्हारा तो रूप स्वरूप बिल्कुल बदला हुआ है। तुम तो एक सुंदर कन्या हो, फिर ये वेश बदलने की क्या आवश्यकता थी? वेश बदलना मेरी आवश्यकता नहीं, विवशता थी। विवशता थी? किसने विवश किया था तुम्हें? मेरे पिताश्री ने। क्यों? पुत्र मोह में वो मुझे कन्या के स्थान पर बालक के रूप में देखना चाहते थे। हाँ, मैं दोहरा जीवन जीने पर विवश थी। जन्म लेते ही मुझे अपने कन्या होने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। तन मुझे कन्या का मिला था पर मन मुझे बालक का निभाना पड़ा। तो फिर एक बार फिर तुम्हें कन्या बनने पर किसने विवश किया? किसी की दृष्टि ने। मैं कुछ समझा नहीं। जिस प्रकार पत्थर बनी हुई अहिल्या राम भगवान के चरणों का स्पर्श पाते ही पत्थर से नारी बन गई थी, उसी प्रकार किसी की दृष्टि के स्पर्श ने मुझको बालक से कन्या बना दिया। अच्छा, और ये किस सौभाग्यशाली की दृष्टि ने तुम्हें बालक से कन्या बना दिया, और वो भी इतनी सुंदर कन्या? आपकी दृष्टि ने। मेरी दृष्टि ने? उससे पहले भी न जाने कितने पुरुषों की दृष्टि आप पर पड़ चुकी होगी। किसी की दृष्टि इतनी चमत्कारी नहीं थी। आपका परिचय भी अधूरा है। मैं तो यह भी नहीं जानता कि मैं किस सौंदर्य की मूर्ति के सामने उपस्थित खड़ा हूं। मैं मणिपुर की राजकुमारी चित्रवाहन पुत्री चित्रांगदा हूं। चित्रांगदा? आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं और आप अर्जुन हैं। मैं जानती हूं। आप मुझे जानती हैं? परंतु कैसे? उस दिन अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करके आपने अपना परिचय दिया था। संसार में गांडीवधारी अर्जुन के सिवा कोई मुझे धनुर्विद्या में हरा नहीं सकता। आपकी वीरता ही आपका परिचय था। मेरे विचार में बहुत देर हो चुकी है। मैं आपसे आगे लेता हूं। सोचा था जब तुमसे भेंट होगी तुमसे क्या क्या कहूंगी, किंतु जब तुम सामने आए तब कुछ भी ना कहा गया। मन की बात मन में रह गई और तुम चले गए। एक और कर्तव्य है प्रेम दूसरी ओर, बिन जाने परिणाम को पार्थ बढ़े किस ओर।